मेरे सभी दोस्तों को मेरा मोहब्बत भरा सलाम। मेरा नाम है मोहित जैन और इस लेक्चर में मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। दोस्तों, पिछले कुछ लेक्चर्स में हमने स्टोरेज क्लास ऑफ वेरिएबल्स इन सी का जिक्र किया था और उस सिलसिले में हमने ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास, स्टेटिक स्टोरेज क्लास और रजिस्टर स्टोरेज क्लास को पढ़ लिया था। इन तीन स्टोरेज क्लासेस से हम अभी तक मुखातिब हुए थे। आज हम रूबरू होंगे एक और स्टोरेज क्लास से जिसका नाम है एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास। जैसा कि साथियों आप लोग यहाँ बोर्ड पर देख सकते हैं, हमने एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास से जुड़ी हुई कुछ छोटी छोटी बातें यहाँ पर लिख दी है। एक एक करके इन सभी पॉइंट से आइए हम पर्दा उठाते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें स्टोरेज की, तो साथियों जो भी वेरिएबल एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास का वेरिएबल होगा, उसे स्टोर होने के लिए जो जगह मिलेगी वो मिलेगी मेन मेमोरी के अंदर। दूसरा जो पॉइंट है वो है डिफॉल्ट इनिशियल वैल्यू। तो यारो, जो भी वेरिएबल एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास के वेरिएबल होते हैं वो बाय डिफॉल्ट खुद ब खुद किस वैल्यू से इनिशियलाइज हो जाएंगे? जीरो से। अगर हमने उन वेरिएबल्स को किसी वैल्यू से इनिशियलाइज कर दिया तब तो वो हमारे द्वारा दी गई वैल्यू से इनिशियलाइज होंगे, पर खुदा ने खास्ता हमने किसी एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास के वेरिएबल को इनिशियलाइज नहीं किया तो बाय डिफॉल्ट खुद ब खुद वो इनिशियलाइज हो जाएगा जीरो से। अगला पॉइंट है स्कोप। स्कोप यानी कि उसको हम प्रोग्राम में किस हद तक इस्तेमाल कर सकते हैं, कहाँ कहाँ हम एक एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास के वेरिएबल को इस्तेमाल कर सकते हैं हमारे प्रोग्राम के अंदर। तो साथियों, एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास के वेरिएबल का जो स्कोप होता है वो होता है ग्लोबल। ग्लोबल शब्द का यहाँ पर ये मतलब है कि पूरे प्रोग्राम के अंदर आप कहीं भी एक एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास के वेरिएबल को इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर ये जो ग्लोबल शब्द है ना दोस्तों, इसका यही मतलब है कि पूरे प्रोग्राम में आप कहीं भी जहाँ भी आप चाहें एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास के वेरिएबल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला पॉइंट है उसकी लाइफ, उसकी ज़िंदगी। तो एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास के वेरिएबल की लाइफ क्या होगी, कब तक उसका मेमोरी में एग्जिस्टेंस बना रहेगा, कब तक उसके नाम पर मेमोरी एलोकेटेड रहेगी? तो जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है टिल द एंड ऑफ द प्रोग्राम, जब तक कि हमारा पूरा ही प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं हो जाता तब तक जो एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास का वेरिएबल है उसकी ज़िंदगी बनी रहेगी मेमोरी में, वो बना रहेगा दोस्तों। इसके लिए जो कीवर्ड हम यूज़ करेंगे वो होगा एक्सटर्न कीवर्ड। इस कीवर्ड को हम किस तरह से यूज़ करेंगे और किस तरह का इफ़ेक्ट एक एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास का वेरिएबल प्रोग्राम के अंदर दिखाएगा, आइए अब इस चीज़ से पर्दा उठाते हैं। हम कुछ एग्जांपल्स लेकर एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास के वेरिएबल के अलग अलग पहलुओं पर रोशनी डालते हैं दोस्तों। तो साथियों, इस प्रोग्राम के अंदर अगर आप देखेंगे तो सबसे ऊपर तो यहाँ पर आप हेडर फाइल्स जरूर लिख लीजिएगा, हैश इंक्लूड stdio.h, हैश इंक्लूड conio.h। फिर उसके बाद हमने यहाँ पर एक फन नाम का फंक्शन है जिसका प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन किया हुआ है। फिर इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ हमने मेन फंक्शन लिखा है यहाँ से लेकर यहाँ तक, और जो फन फंक्शन है उसकी डेफिनेशन ये रही यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया है जिसका नाम है x। आज तक
हमने जितने भी वेरिएबल डिफाइन किए थे वो सभी वेरिएबल किसी न किसी ब्लॉक में डिफाइन होते थे, किसी न किसी फंक्शन के ब्लॉक में ही हम डिफाइन किया करते थे। आज पहली बार ऐसा मौका लगा है जब हम किसी वेरिएबल को डिफाइन तो कर रहे हैं पर किसी ब्लॉक की हद में नहीं। आप देख सकते हैं ये जो वेरिएबल एक्स जो कि हमने यहाँ डिक्लेयर किया हुआ है, ये ना तो मेन फंक्शन के ब्लॉक में है ना ही फन फंक्शन के ब्लॉक में है। ये वेरिएबल एक्स तो बिल्कुल आज़ाद परिंदे की तरह है, ये किसी भी फंक्शन की सरहदों में बंधा हुआ नहीं है दोस्तों। तो ऐसा वेरिएबल जो किसी भी फंक्शन की सरहदों में नहीं बंधा है, किसी भी फंक्शन के ब्लॉक में नहीं बंधा है, आज़ाद है, ऐसे वेरिएबल को हम कहते हैं एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास का वेरिएबल। हम इस वेरिएबल एक्स को कहेंगे कि अरे ये वेरिएबल एक्स तो एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास का वेरिएबल है यहाँ पर। अब साथियों इस वेरिएबल एक्स के स्कोप की हम बात कर लेते हैं। तो साथियों ज़रा ध्यान से देखिएगा, इस वेरिएबल एक्स को हमने यहाँ पर डिफाइन किया है और ये किसी फंक्शन के ब्लॉक में भी डिफाइन नहीं किया गया है। तो इसका स्कोप क्या होगा, मतलब इसको हम इस प्रोग्राम में कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकेंगे? तो साथियों इस प्रोग्राम के अंदर तो ये जो वेरिएबल एक्स है इसे आप सिर्फ इस फन फंक्शन के अंदर ही इस्तेमाल कर पाएंगे। तो जब आप इस प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे तब आप पाएंगे कि ये प्रोग्राम आपको एक एरर दिखाता है और उस एरर में एक मैसेज आता है अनडिफाइंड सिंबल एक्स, क्योंकि मेन फंक्शन के अंदर हमें इजाज़त नहीं है कि हम इस वेरिएबल एक्स को इस्तेमाल कर लें। हाँ जहाँ हमने इस वेरिएबल एक्स को डिफाइन किया है ना दोस्तों उसके नीचे तो आप इस प्रोग्राम में कहीं भी इस वेरिएबल एक्स को बेझिझक होकर इस्तेमाल कर सकते हैं, पर जहां आपने इस वेरिएबल एक्स को डिफाइन किया है इसके ऊपर वाले फंक्शंस में आप इसको सीधे सीधे इस्तेमाल नहीं कर सकते। ऐसा करने पर एक एरर मिल जाती है अनडिफाइंड सिंबल एक्स। तो फिर क्या इस वेरिएबल एक्स को हम कभी भी इसके ऊपर वाले फंक्शंस में इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे क्या? जैसे कि क्या हम इस वेरिएबल एक्स को इस मेन फंक्शन की बॉडी में कभी भी एक्सेस नहीं कर पाएंगे क्या? यूज़ नहीं कर पाएंगे क्या? तो दोस्तों इसका जवाब है कि हाँ हम इस वेरिएबल एक्स को इस मेन फंक्शन के ब्लॉक में इस्तेमाल कर पाएंगे। कैसे कर पाएंगे? तो साथियों इस वेरिएबल एक्स को इस मेन के ब्लॉक में अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपको यूज़ करना होगा एक्सटर्न कीवर्ड, और इस एक्सटर्न कीवर्ड के साथ इस वेरिएबल एक्स को हम रीडिक्लेयर करेंगे इस मेन फंक्शन के ब्लॉक के अंदर, तब हम इस वेरिएबल एक्स को मेन में भी इस्तेमाल कर सकेंगे। आइए देखते हैं कैसे। अब साथियों सेम प्रोग्राम के अंदर हमने थोड़ी सी तब्दीली कर दी। यहाँ पर हमने वेरिएबल एक्स को रीडिक्लेयर किया है, रीडिक्लेयर करना मतलब फिर से डिक्लेयर किया है, और कीवर्ड यूज़ किया है हमने एक्सटर्न। तो यहाँ पर हमने मेन के अंदर वेरिएबल एक्स को रीडिक्लेयर किया एक्सटर्न कीवर्ड के साथ। तो ऐसा हमने क्यों किया, क्यों हमने ये रीडिक्लेरेशन किया है? तो दोस्तों ये जो वेरिएबल एक्स है इस वेरिएबल को हमने यहाँ पर डिफाइन किया है, तो इसके नीचे जितने भी फंक्शन हैं उनके अंदर तो इस वेरिएबल एक्स को बेझिझक होकर हम इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि इसका स्कोप इसके नीचे तो है ही, पर इसके ऊपर जितने भी फंक्शंस डिफाइन हैं उन फंक्शंस के अंदर वेरिएबल एक्स को हम सीधा सीधा यूज़ नहीं कर पा रहे थे। जैसा कि आपने देखा था पिछला जो प्रोग्राम था जिसमें हमने यहाँ ये वाली लाइन नहीं लिखी थी उसमें एक एरर आ रही थी अनडिफाइंड सिंबल एक्स,
क्योंकि तब जो वेरिएबल एक्स था इसका स्कोप इस मेन फंक्शन के अंदर नहीं था। अब कभी कभी हमारी मजबूरी हो जाती है, हो सकता है कि इस वेरिएबल एक्स को हमें ऊपर के किसी फंक्शन में इस्तेमाल करना हो, इस तरह के एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास के कभी वेरिएबल किसी प्रोग्राम में आपने डिक्लेयर किए हो और ऊपर लिखे हुए फंक्शंस की डेफिनेशन में आपको इन वेरिएबल्स को एक्सेस करना पड़ जाए, तो ऐसे हालात से निपटने के लिए हमारे पास होता है यहाँ पर दोस्तों एक्सटर्न कीवर्ड। अब हमने क्या किया है कि इस मेन फंक्शन के ब्लॉक में इस वेरिएबल एक्स को एक्सटर्न कीवर्ड के साथ डिक्लेयर कर दिया। तो ऐसा करने से क्या हुआ, ऐसा करने से ये हुआ साथियों कि इस वेरिएबल एक्स को हमें इस्तेमाल करने की इजाज़त मिल गई इस मेन फंक्शन के अंदर। मतलब हमें अब ये हक मिल गया है, ये अधिकार मिल गया है कि इस वेरिएबल एक्स को मैं चाहूँ तो इस मेन फंक्शन में भी यूज़ कर सकता हूँ, पर इसके लिए मुझे क्या करना पड़ा, इसे रीडिक्लेयर करना पड़ा एक्सटर्न कीवर्ड के साथ। तो यहाँ दोस्तों समझने वाली बात यह है कि यहाँ ये जो वेरिएबल एक्स है ये कोई नया वेरिएबल नहीं है, ये कोई अलग वेरिएबल नहीं है, हम यहाँ इस ही वेरिएबल की बात कर रहे हैं। सिर्फ इस लाइन के लिखने से क्या फर्क पड़ गया कि हमें हक मिल गया इस वेरिएबल एक्स को इस मेन फंक्शन के ब्लॉक में यूज करने का हक। तो इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या होगा दोस्तों, तो यहाँ पर ये जो वेरिएबल एक्स है, क्योंकि दोस्तों ये एक एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास का वेरिएबल है, तो ये जो वेरिएबल एक्स है ये इनिशियलाइज किससे हो जाएगा, बाय डिफॉल्ट जीरो से। हमने इसे यहाँ पर किसी भी वैल्यू से इनिशियलाइज नहीं किया, तो ये वेरिएबल एक्स तो जीरो से इनिशियलाइज हो ही जाएगा। अब इस प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन पर हम नज़र डालते हैं, तो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन यहाँ से स्टार्ट होगा। तो सबसे पहले ये वाला इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा। इस इंस्ट्रक्शन को देखकर कंपाइलर को ये समझ में आएगा कि कहीं कोई एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास का वेरिएबल एक्स है जो इस प्रोग्राम के दौरान कहीं ना कहीं डिक्लेयर हुआ है, जिसे हम इस मेन फंक्शन में यूज़ करना चाहते हैं। ये बात समझ में आ जाएगी कंपाइलर के इस इंस्ट्रक्शन को देखकर। फिर आएगा CLRSCR। अब इसके बाद यहाँ इस printf के अंदर हमने इस वेरिएबल x का इस्तेमाल किया है, तो ये कौन सा वेरिएबल x है दोस्तों, यही वाला वेरिएबल x है, और इसकी वैल्यू कितनी है, जीरो है। तो यहाँ से आउटपुट स्क्रीन पर क्या प्रिंट हो जाएगा, जीरो। अब कंट्रोल आएगा दोस्तों इस इंस्ट्रक्शन पर, यहाँ फन फंक्शन को कॉल किया तो कंट्रोल सीधा इसके डेफिनेशन में उतर आएगा। अब इसकी डेफिनेशन के अंदर हमने यहाँ पर वेरिएबल एक्स को फिर से एक्सेस किया हुआ है, प्रिंट किया हुआ है, तो इस प्रिंट एफ के एग्जीक्यूट होने से एक्स की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, जो कि फिर से क्या प्रिंट होगी दोस्तों, जीरो ही प्रिंट होगी। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं इस प्रिंट एफ से जिस एक्स को हमने एक्सेस किया है ये भी वही एक्स है, और इस प्रिंट एफ से हमने जिस एक्स को एक्सेस किया है ये भी वही एक्स है, दोनों ही सेम एक्स हैं ये वाला। अब इस फंक्शन की डेफिनेशन को एग्जीक्यूट करके कंट्रोल वापस लौट आएगा यहाँ पर और गेट CH, फिर इसके बाद हमारे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन मुकम्मल होगा, तो आउटपुट स्क्रीन पर आपको नज़र आएंगे ये दो जीरो। साथियों ये जो वेरिएबल x हमने यहाँ पर डिक्लेयर किया है, तो ये वेरिएबल किसी भी फंक्शन की हद से बंधा हुआ नहीं है, आज़ाद है ये वेरिएबल x, ये किसी भी फंक्शन की सरहदों से बंधा हुआ नहीं है। तो ये एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास का वेरिएबल तो है ही, साथ ही साथ ऐसे वेरिएबल के लिए एक और टर्म यूज़ कर ली जाती है, इसे ग्लोबल वेरिएबल भी कह दिया जाता है। कई बार इस तरह के वेरिएबल के लिए एक नाम और इस्तेमाल कर लिया जाता है जिसे कहते हैं ग्लोबल वेरिएबल। तो ग्लोबल वेरिएबल ये नाम इसका हम कैसे रख पाए, क्यों लोग इसे ग्लोबल वेरिएबल कह दिया करते हैं, क्योंकि दोस्तों आप देखिएगा इस वेरिएबल एक्स का इस्तेमाल आप इस प्रोग्राम में कहीं भी कर सकते हैं। मान लीजिए कोई कुछ और फंक्शंस भी होते, चाहे इस प्रोग्राम के अंदर 10 फंक्शंस और होते,
अलग अलग 10 फंक्शंस और होते हैं, उन सभी में भी आप इस वेरिएबल x का इस्तेमाल बड़ी ही आसानी से कर पाते हैं। जहां आपने इस वेरिएबल को डिफाइन किया है उसके नीचे लिखे हुए फंक्शंस में तो आप इस वेरिएबल x को सीधा सीधा यूज़ कर ही सकते थे, और जो फंक्शंस इस वेरिएबल x के डिक्लेरेशन के पहले डिफाइन कर दिए गए थे उनके अंदर भी इस वेरिएबल x को आप बड़ी ही आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। बस आपको करना ये है कि इस वेरिएबल को फिर से रीडिक्लेयर करना है एक्सटर्न कीवर्ड के साथ। तो क्योंकि इस वेरिएबल को हम इस प्रोग्राम के दौरान पूरे प्रोग्राम में हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं खुशी खुशी, इसलिए ऐसे वेरिएबल्स के लिए एक नाम और रख दिया जाता है ग्लोबल वेरिएबल। इस चीज़ को अभी और हम कुछ अच्छे एग्जांपल्स लेंगे और उसके ज़रिए और गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। तो साथियों इस प्रोग्राम पर ज़रा आप नज़र डालिए। सबसे ऊपर यहाँ पर हेडर फाइल्स आप जरूर लिख लीजिएगा #include stdio.h #include conio.h। अब उसके बाद दोस्तों आप देखेंगे कि यहाँ पर हमने एक इंटीजर टाइप के वेरिएबल को डिफाइन किया है। तो ये जो वेरिएबल हमने डिफाइन किया है ये इस प्रोग्राम में आप ये पाएंगे कि सबसे ऊपर हमने इसको डिफाइन किया है, इसके ऊपर हेडर फाइल्स हैं, और इसके बाद हमने यहाँ पर दो फंक्शंस हैं फन वन और फन टू नाम के, इनका प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन किया है, और फिर हमने यहाँ पर इन दोनों फंक्शंस की डेफिनेशन भी बयां की है। तो यहाँ जब हमने इस वेरिएबल को डिफाइन किया तो इसके क्या मायने हैं? तो दोस्तों सबसे पहली बात जो हमें समझ में आती है वो ये है कि ये जो वेरिएबल ए है इसकी स्टोरेज क्लास है एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो वेरिएबल ए है ये किसी भी फंक्शन के ब्लॉक के अंदर हमने डिफाइन नहीं किया। ये वेरिएबल ए एक आज़ाद परिंदे की तरह है, ये इन सारे ही फंक्शंस की सरहदों से बाहर है। तो यहाँ पर ये जो वेरिएबल ए है ये किसी के बस में नहीं, किसी एक फंक्शन के बस में नहीं है, ये तो इन सारे ही फंक्शन से आज़ाद है दोस्तों। इसलिए ये वेरिएबल हमारा कौन सी स्टोरेज क्लास का वेरिएबल हो गया? एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास का ये वेरिएबल हो गया। दूसरी बात, इसे हम क्या भी कह सकते हैं? तो इसे हम ग्लोबल वेरिएबल भी कह सकते हैं। तो ये तो दोस्तों हुई इसकी स्टोरेज क्लास की बात। अब दूसरी बात, इस वेरिएबल की डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगी? तो दोस्तों क्योंकि ये एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास का वेरिएबल है और हमने इसे किसी वैल्यू से इनिशियलाइज भी नहीं कराया है, इसीलिए बाय डिफॉल्ट ये जो वेरिएबल ए है ये जीरो से इनिशियलाइज हो जाएगा। इसका मतलब इस वेरिएबल ए की डिफॉल्ट वैल्यू होगी शून्य, जीरो। अब तीसरी चीज पर हम आते हैं जो कि है इसका स्कोप। इस वेरिएबल को हम कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकेंगे? तो दोस्तों क्योंकि ये जो वेरिएबल है ये एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास का वेरिएबल है तो इसे इस्तेमाल तो पूरे प्रोग्राम में ही किया जा सकता है। आप ये पाएंगे कि ये वेरिएबल सबसे ऊपर हमने डिफाइन कर दिया, इन सारे ही फंक्शन से ऊपर हमने इस वेरिएबल ए को डिफाइन कर दिया है, इसलिए इस वेरिएबल ए को आप यहाँ नीचे जितने भी फंक्शंस डिफाइन किए गए हैं उन सारे ही फंक्शंस में बेझिझक होकर इस्तेमाल कर सकेंगे। अब यहाँ आपको अलग से इस वेरिएबल को रीडिक्लेयर करने की भी ज़रूरत नहीं है एक्सटर्न कीवर्ड के साथ। तो भला ऐसा क्यों? हमें इस वेरिएबल ए को एक्सटर्न कीवर्ड के साथ फिर से रीडिक्लेयर करने की ज़रूरत क्यों नहीं पड़ी? क्योंकि दोस्तों ये जो वेरिएबल ए है ये इन सारे ही फंक्शंस की डेफिनेशन से ऊपर है, इसलिए सीधा सीधा हम इन फंक्शंस की डेफिनेशन में वेरिएबल ए को इस्तेमाल कर सकेंगे यहाँ। अब आओ साथियों इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो सबसे पहले CLR SCR यहाँ पर एग्जीक्यूट होगा, आउटपुट स्क्रीन क्लियर हो जाएगी। अब ज़रा यहाँ देखिएगा दोस्तों, तो यहाँ पर हमने इस प्रिंट एफ के ज़रिए इस वेरिएबल ए को प्रिंट करवाया है। अब ये वेरिएबल ए
कौन सा वेरिएबल है दोस्तों? यही वाला वेरिएबल है जिसे हमने यहाँ पर ग्लोबली डिफाइन किया है। तो मेमोरी में एक वेरिएबल बन जाएगा यहाँ पर ए नाम का, और बाय डिफॉल्ट ये जीरो से इनिशियलाइज भी हो जाएगा साथियों, जैसा कि हम लोग जिक्र कर चुके हैं। तो यहाँ पर अब जैसे ही दोस्तों ये प्रिंट एफ एग्जीक्यूट होगा, तो इस प्रिंट एफ के जरिए ए की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी जो कि होगी जीरो। अब इसके बाद कंट्रोल यहाँ आया, इस इंस्ट्रक्शन पर आया, यहाँ हमने फन वन फंक्शन को कॉल किया हुआ है। तो जिस जगह फंक्शन को कॉल करते हैं कंट्रोल सीधा वहाँ से उस फंक्शन की डेफिनेशन में उतर जाता है साथियों। तो यहाँ से सीधा कंट्रोल इस फन वन फंक्शन की डेफिनेशन में उतर आया, और जैसे ही इस फन वन फंक्शन की डेफिनेशन में कंट्रोल उतर के आया तो उसने सबसे पहले ये इंस्ट्रक्शन पाया, और इस इंस्ट्रक्शन के अंदर ए के अंदर यहाँ पर टू ऐड हो रहा है और फिर से ए में ही असाइन हो रहा है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों वेरिएबल ए को इस मेन फंक्शन के अंदर भी हमने यहाँ एक्सेस कर लिया था, और उसके बाद अब हम फन वन फंक्शन के अंदर भी इस वेरिएबल को एक्सेस कर पा रहे हैं। यानी कि एक तरह से ये सारे ही फंक्शंस इस वेरिएबल ए को शेयर कर रहे हैं। तो अब इस ए की वैल्यू में दो का इजाफा हुआ, ए की वैल्यू पहले जीरो थी, अब बढ़कर कितनी हो जाएगी दोस्तों इस इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूट होने के बाद? तो अब यहां से ए की वैल्यू बढ़कर हो जाएगी टू। अब ये वाला इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट किया जाएगा, अब यहां से फिर से हमने ए की वैल्यू को ही प्रिंट किया है। तो यहां से अब जब ए की वैल्यू प्रिंट होगी तो दोस्तों अब ए की वैल्यू कितनी हो चुकी है? अब ए की वैल्यू बढ़कर टू हो चुकी है, तो यहां प्रिंट हो जाएगा टू। फिर इसके बाद ये वाला क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट एनकाउंटर होगा, इसका मतलब फन वन फंक्शन की डेफिनेशन पूरी तरह से एग्जीक्यूट हो चुकी है, इसलिए कंट्रोल अब वहीं लौट जाएगा जहां इस फन वन फंक्शन को कॉल किया गया था, और उसके नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन से प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को रिज्यूम करेगा। यानी कि अब अगला इंस्ट्रक्शन है ये वाला, तो यहाँ से अब कंट्रोल सीधा चला जाएगा फन टू फंक्शन की डेफिनेशन में, क्योंकि हम यहाँ पर फन टू फंक्शन को कॉल कर रहे हैं दोस्तों। ये इंस्ट्रक्शन तो हमारा एग्जीक्यूट हो चुका है, अब कंट्रोल आएगा फन टू की डेफिनेशन में। तो यहाँ से कंट्रोल सीधा फन टू की डेफिनेशन में उतर आया। अब इसके अंदर ये एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है, तो यहाँ आप देख सकते हैं दोस्तों फन टू फंक्शन भी इस वेरिएबल ए को खुशी खुशी एक्सेस कर पा रहा है, अपने ब्लॉक के अंदर इस वेरिएबल ए को फन टू फंक्शन भी यूज कर पा रहा है। तब आप समझ पा रहे होंगे दोस्तों कि यूं ही नहीं इस वेरिएबल को ग्लोबल वेरिएबल कह दिया गया है। इस प्रोग्राम के सारे ही फंक्शंस के अंदर हम इसको बड़ी ही आसानी से इस्तेमाल कर पा रहे हैं। तो यहाँ से वेरिएबल ए की वैल्यू में 10 का इजाफा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ हमने 10 ऐड कर दिया है ए के अंदर और फिर से ए में ही असाइन कर दिया। तो ए की वैल्यू जो कि अभी तक थी 2, अब बढ़कर कितनी हो जाएगी दोस्तों? 12। तो साथियों अब इस इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूट होने के बाद यहाँ पर फन टू फंक्शन का क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट एनकाउंटर हो गया, तो कंट्रोल सीधा यहाँ से वहीं लौट जाएगा जहाँ फन टू फंक्शन को कॉल किया गया था। तो कंट्रोल यहाँ से लौटेगा यहाँ पर, और इसके आगे लिखे हुए इंस्ट्रक्शन से प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को कंटिन्यू किया जाएगा। यानी कि अब ये प्रिंट एफ एग्जीक्यूट होगा साथियों, अब जब ये प्रिंट एफ एग्जीक्यूट होगा इसके अंदर हम फिर से ए की वैल्यू को ही प्रिंट कर रहे हैं। तो जरा बताएं दोस्तों यहाँ से क्या प्रिंट होगा? तो दोस्तों ए की वैल्यू में तब्दीली हो गई थी, ए की वैल्यू में तब्दीलियाँ हुई जब फन वन और फन टू फंक्शन कॉल किए गए, उनकी डेफिनेशंस एग्जीक्यूट की गई, उस दौरान ए की वैल्यू में तब्दीलियाँ होती गई, और क्योंकि ये सारे ही फंक्शंस इस सेम वेरिएबल ए को शेयर कर रहे हैं, तो अगर फन वन फंक्शन कोई चेंज करेगा तो भी पूरे प्रोग्राम को वो चेंज मानना होगा, अगर फन टू फंक्शन वेरिएबल ए में कोई चेंज करेगा
तो पूरे प्रोग्राम के लिए वो चेंज मान्य होगा, सभी को वो चेंज एक्सेप्ट करना होगा। तो यहाँ फन टू फंक्शन ने ए की वैल्यू में 10 जोड़ा था तो ए की वैल्यू 12 हो गई थी। इसका मतलब अब इस प्रिंट एफ से जब ए की वैल्यू प्रिंट होगी दोस्तों तो वो कितनी प्रिंट होगी, 12। फिर गेट सी एच, और इस तरह से हमारे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन मुकम्मल हुआ दोस्तों। आओ साथियों थोड़ी सी बात इस वेरिएबल ए की लाइफ के बारे में भी कर लेते हैं। अब जैसा कि आप लोग जानते हैं ये एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास का वेरिएबल है, ये एक ग्लोबल वेरिएबल है, और हमने लेक्चर की शुरुआत में ही एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास के वेरिएबल की ज़िंदगी का जिक्र किया था। तो जो भी वेरिएबल एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास के वेरिएबल होते हैं उनकी जो लाइफ होती है वो पूरे प्रोग्राम के दौरान बनी रहती है, जब तक कि पूरा का पूरा प्रोग्राम ही एग्जीक्यूट नहीं हो जाता तब तक वो मेमोरी में बने रहते हैं। तो यहाँ पर जो वेरिएबल ए है जब इसे एक बार मेमोरी मिल गई तो ये मेमोरी इसके पास बनी रहेगी, कब तक, जब तक कि ये पूरा ही प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं हो जाता। तो ठीक है साथियों, इस लेक्चर को अब हम यहीं एंड करते हैं। होती है मुलाकात आप सभी से अगले लेक्चर में। आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया।